लॉकडाउन की परिस्थिति में जरूरतमंदों को भवानी माता मंदिर ट्रस्ट की ओर से समय समय पर नियमित रूप से भोजन का वितरण किया जा रहा है। हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है जो रोज कमाता है और रोज खाता है। ऐसे मजदूर वर्ग के पास पैसे नहीं होने की वजह से इनके भूखे रहने की नौबत आ गई है। किंतु कहा जाता है ना, हर परेशानी का कोई ना कोई हल निकल ही आता है और कोई ना कोई सहारा बन ही जाता है। ऐसी परेशानी में भवानी माता मंदिर ट्रस्ट भी उसी सहारे के रूप में उभरी है। 25 मार्च से देश में लॉकडाउन किया गया है। उसके बाद से परिस्थितियों को देखते हुए भवानी माता मंदिर ट्रस्ट ने इन जरूरतमंद लोगों को प्रतिदिन भोजन वितरित करने का बीड़ा उठाया है। इस ट्रस्ट ने यह कार्य 27 मार्च अर्थात लॉकडाउन के 2 दिनों बाद से शुरू किया था। इनका उद्देश्य है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक यह भूखे और जरूरतमंदों को भोजन वितरित करते रहेगी। इस ट्रस्ट ने यह कार्य 1000 भोजन पैकेट्स के साथ शुरू किया था। अब यह बढ़कर 3500 हो गए हैं और अब इनका उद्देश्य है कि यह 4000 से अधिक भोजन पैकेट्स वितरित करे, जिसके लिए 3 से 4 टीमें बनाई गई है जो सुबह से शाम तक जगह जगह जाकर भोजन के पैकेट्स बांटने में सहयोग कर रही है। जब इस बारे में बात हुई तो ट्रस्ट के जॉइंट सेक्रेटरी नितिन आरसपुरे ने पूरी जानकारी दी। जी, स्थिति निर्माण झालेली आहे आणि विस्थापित लोकांना अन्नाचा अभाव होतो आहे। त्यांना जे लोक रोज हातावर आणून पानावर खाणारे जे लोक आहेत, रोज कमवणारे आणि रोज खाणारे जे लोक आहेत, त्यांना या लॉकडाऊनमुळे खूप मोठी क्षती झालेली आहे। त्यांना रोज आपला जो उदरनिर्वाह करतात त्याच्यासाठी एक मोठी समस्या निर्माण झाली। म्हणून आम्ही संस्थेच्या वतीने गेल्या 27 तारखेपासून फूड डिस्ट्रीब्युटर्सचा प्रोग्राम आम्ही राबवलेला आहे आणि आम्ही आता रोज या भागात जे ट्रान्सपोर्ट एरिया आहे, स्लम्स आहे, त्याच्यानंतर झोपडपट्टी आहे, स्लम्स आहे, जिथे मजूर वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे, अशा लोकांना आम्ही आता रोज फूड्सचे पॅकेट वाटप करतो आहे आणि जवळजवळ आम्ही आता 3000-3500 फूड्सचे पॅकेट सप्लाय करतो आहे। आमच्या 4 वेगवेगळ्या टीम्स आहे, त्या टीम्स आमच्या रोज 4 वाजता निघतात आणि संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत ते सगळे फूड डिस्ट्रीब्युशन करतात। असा प्रोग्राम सुरू आहे आणि जोपर्यंत हा लॉकडाऊन राहील तोपर्यंत आम्ही प्रयत्न आहे आमचा की जितकं जास्त सस्टेन करता येईल, जितकं लांब प्रोग्राम हा करता येईल, तितका आमचा प्रयत्न आहे संस्थेद्वारे। जरूरती चीजें जैसे दाल, चावल, सब्जी, आटा, तेल और अन्य सामग्री की पूर्ति ट्रस्ट के सहकारी साथ ही अन्य लोग जो इसकी पूर्ति करने में सक्षम है उनके द्वारा किया जाता है। साथ ही खाना बनाने वाले कर्मचारी से बात करने पर पता चला कि किस तरह से खाना बनाकर निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जरूरतमंद लोगों तक यह भोजन पहुंचाया जाता है। ये रोज 12:30-1 बजे से चालू हो रहा है खाना बनाना और जो प्रोसीजर है, जो मतलब नियम है, उसी द्वारा कर रहे हैं। जैसे पहले हम आते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ क्लियर करते, उसके बाद हैंड ग्लोव्स पहनते, उसके बाद जो भी ये पैकिंग होती है इसको 4-4:30 बजे हम इसको बाहर मतलब डिस्पोज करते हैं और जहाँ जहाँ जाना है, जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं हम उनको ही दे रहे हैं। मतलब भला है वो 100 पैकेट बांटने के लिए हमको 2 घंटा क्यों ना लगे। जैसा मैं यहाँ से निकलता हूँ रोज़ तो महल, शुक्रारी तालाब, क्वार्टर मार्केट चौक, आगाराम देवी चौक, जो गोर गरीब है, जो रोज भीख मांग के खाते उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को इस मुश्किल घड़ी में भोजन खिलाना और अपनी थाली में देखने से पहले किसी और की थाली में देखना कि कहीं उसकी थाली खाली न रह जाए, यहाँ इस ट्रस्ट का उद्देश्य है। भैया, मंदिर की ओर से जो किया जा रहा है ऐसा सभी लोगों से है कि करना चाहिए, अच्छी ट्रस्टों ने सब काम करना चाहिए जो गरीब लोगों के काम में आए, खाना का मिले। अभी सबको तकलीफ है, उनको बरोबर मिलने को होना है, जो बाहर मजदूर जा रहे हैं उनको भोजन मिलने को होना। फिलहाल की परिस्थिति में एक दूसरे का सहयोग जरूरी है और यहाँ ट्रस्ट इस पर बखूबी से काम कर रही है। लॉकडाउन की समय सीमा 14 अप्रैल है। यदि इस संक्रमण ने अपना प्रसार नहीं रोका तो यह समय सीमा बढ़ भी सकती है। यहाँ संक्रमण ना फैले इसके लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्य को लोगों का समर्थन आवश्यक है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ दीपिका धनेश्वर, NBCN न्यूज़, नागपुर।